हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि ईएएन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम विद एग्जांपल्स को सीखेंगे, ठीक है। सो ईएएन जो है यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इसके अंदर दो चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज होगी हमारी मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल, ठीक है। और जो सेकेंड चीज है वो हमारी होगी क्या कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं यानी कि मेटल को दिए हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई लीगेंड, ठीक है। बस इन्हीं का आपको जो है सम कर देना है और आपके पास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल कर आ जाएगा। सो हमें सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है, मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लीगेंड्स ने दिए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सिडविक, सिडविक के अकॉर्डिंग जो है, सिडविक के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा मेटल का ईएएन निकल कर आएगा वो उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी इनर्ट गैस है, देखो वो कौन कौन से हो सकती है ना, वो सिर्फ तीन ही हो सकती है। मतलब कि एक तो हो सकती है आपके पास में क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है, देखो जो हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे पास में जो मेटल्स होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वो हमारे कौन से होंगे भाई, डी ब्लॉक के होंगे सारे के सारे। सो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बाद में अगर आप नोबल गैसेस देखोगे तो आपके पास में जो इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, वो यही तीनों आएंगी, ठीक है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। सो अकॉर्डिंग टू सिडविक्स ईएएन रूल, इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसने रूल दिया था, इसके अकॉर्डिंग उसका ये कहना था कि अगर आप मेटल का अगर ईएएन कैलकुलेट करोगे तो वो उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। सो इनका एटॉमिक नंबर भी तो पता होना चाहिए। तो देखो इसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है 36, ज़ेनॉन का होता है भाई 54 और रेडॉन का होता है 86। तो 36, 54, 86, ठीक है। सो अभी जब हम इसमें क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सी चीज जो है, मैंने यहां पर आपको सिर्फ दो ही पॉइंट बताए हैं। एक चीज तो ये है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में जो है और लिगेंड ने जो दिए उनका सम होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपके पास में जो है ये उन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर है। सो जैसे ही हम ईएएन को कैलकुलेट करेंगे ना तो ये इनके इक्वल आना चाहिए। हालांकि सारे के सारे इक्वल नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इनके इक्वल आएंगे सो दैट मींस आपका जो ईएएन रूल है वो फॉलो हो रहा है। अब देखो यहां पर जो है हम ले लेते हैं, यहां पर कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ले लेते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखा है कोबाल्ट के साथ में है NH3 और इसके साथ में है 6, मतलब 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं जो कि हमारे यहां पर है NH3 के, और इसके ऊपर जो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 3+, ठीक है। तो देखो यहां से हमें अगर ईएएन कैलकुलेट करना है सो हमें यहां पर दो चीजें पता होनी चाहिए कि मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको लिगेंड ने दिए हैं, ठीक है। सो मेटल इज कोबाल्ट, ठीक है। सो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 27 ही, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 27 इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है सो इस मेटल आयन पे कितना चार्ज है हमें वो भी पता होना चाहिए, यानी कि हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यहां पर अगर आप इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, ये 6 है, यहां पर है 3+, सो ये 0 और ये 3+, तो मतलब कि यहां पर जो है कोबाल्ट 3+ में होगा। अभी हमारा फोकस जो है वो बाकी चीजों पर नहीं है,
ऑक्सीडेशन स्टेट और इन सब पे, अभी है कि हमें ईएएन कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज पर, ठीक है। सो क्योंकि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3+ में है, सो इलेक्ट्रॉन्स अब टोटल 27 नहीं होंगे मेटल के ऊपर, कितने होंगे 27-3, क्योंकि जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो इसने दे दिए हैं, 3+ का मतलब है कि तीन इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, सो माइनस करो तो कितना आएगा 24। सो हमें जो है इसके अंदर दो चीजें लिखनी होती हैं कि कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कोबाल्ट यहां पर 3+ में है, सो कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस कर दो कितने आए 24। अब ये आपकी आ गई पहली चीज कि मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि लीगेंड ने मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। सो लीगेंड देखो क्या है, NH3 है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि लीगेंड है क्या, हमें ये फर्क पड़ता है कि लीगेंड्स हैं कितने। सो लीगेंड्स है मेरे पास में 6, ठीक है, और हर एक लीगेंड भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, दो ही देगा ना बॉन्ड बनाने के लिए, कि एक तू रख ले एक मैं रख लू, बॉन्ड बन जाएगा हमारे बीच में। सो देखो यहां पर जो है हर एक जो हमारा लीगेंड है वो दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और आपको सब में ही ऐसे करना है क्योंकि जो भी लीगेंड होगा वो दो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो क्योंकि 6 हमारे अटैच हैं NH3, तो उसका मतलब 6 के 6 दो दो देंगे, सो कितने हो गए 6×2 मतलब 12। सो टोटल इलेक्ट्रॉन लीगेंड ने कितने दिए होंगे, सब लीगेंड्स ने कितने दिए 12 इलेक्ट्रॉन, और हमें अब क्या करना होता है इन दोनों का सम, वही हमारा EAN होता है जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था कि मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस लिगेंड ने कितने दिए हैं। चलो इनका हम कर देते हैं सम, तो मेटल के पास में 24 हैं और लिगेंड ने दिए हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 जो है ये हमारा किसका होता है, क्रिप्टॉन का अटोमिक नंबर। सो सिडविक के EAN रूल में यही लिखा गया है कि जो मेटल का EAN कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो आपका उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहां पर देखो FeCN6 मैंने लिया 4-, ठीक है, 4-, सेम चीज करनी है। यहां पर देखो जो हमारे पास में ये मेटल है Fe, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 26, सो Fe में होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन Fe यहां पर क्या जीरो में है, लेकिन हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो, यहां पर जो है CN- में होता है, ठीक है। सो यहां पर कितना हो जाएगा, Fe का x मान लेते हैं और कितने CN है 6, एक CN का किसमें होता है -1 में, ठीक है ना, जो उसका चार्ज है, और इज इक्वल टू के राइट साइड में आएगा -4। सो कितना हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू -4, तो x बराबर हो गया -4+6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, तो यानी कि Fe जो है ये इस कॉम्प्लेक्स में कितना होगा, Fe 2+ में होगा, ठीक है। सो Fe में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो Fe 2+ में कितने होंगे 26-2 मींस 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपकी फर्स्ट चीज आ गई कि मेटल के पास में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड चीज देखो कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो लिगेंड जितने अटैच हैं जस्ट उसका डबल कर दो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। सो आपके जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं 6, और हर एक ने दो दिए होंगे तो कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किए हैं, इन दोनों का कर दो सम, सो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 2 1 3, तो फिर से आ रहा है 36। सो 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो है EAN फॉलो हो रहा है, अब ले लेते हैं हम यहां पर PtCl6 2-। सो यहां पर जो है अब हमारे पास में आता है प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। सो हमारा जो ग्रुप नंबर 10 है उसके अंदर आएगा मेरा 28 एटॉमिक नंबर पे निकल, ठीक है, ग्रुप नंबर 10 की बात कर रही हूं मैं। ग्रुप नंबर 10 के अंदर हमारे पास में जो है निकल आएगा 28 एटॉमिक नंबर पे, उसके बाद में आता है भाई पैलेडियम और प्लैटिनम। सो दिस इज 28, सो दिस मींस 78 ये होगा, ठीक है।
यहां से मेरे को पता चला है कि प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 78. सो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर जो है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. सो प्लैटिनम के पास में 78 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. लेकिन यहां पर प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो कितने में है. ये है 6, ये है -2. सो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे -6 और इस साइड में कितना हो जाएगा -2. सो अगर आप प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -2 + 6, ठीक है. अभी हम उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं कि EAN कैसे निकालना है, ठीक है. तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो x - 6 = -2, तो x कितना आ गया +4. देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है. ये हो जाएगा x = +4. तो यहां पर जो है प्लैटिनम 4+ में है, सो दैट मीन्स कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है 78 में से माइनस करो तो कितना बचेगा, सिर्फ 74 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में है. अब लिगेंड ने कितने दिए होंगे, 12 ही, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं, हर एक ने 2 दिए होंगे तो 12 हो गए. सो फिर से इसमें ऐड कर देते हैं हम 12, ठीक है, डायरेक्टली कर दो ना. तो 4 और 2 6 और 8, और 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है भाई, रेडॉन का होता है. तो यहां पर भी आपका EAN रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपका जो मेटल का EAN कैलकुलेट करने के बाद आया है वो इसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है. अब यहां पर देखो, हमने जो है यहां पर इस तरीके से 2 ले लिए हैं, ठीक है, CuCN4 और फिर ब्रैकेट के बाद 3 माइनस का चार्ज है, ठीक है. देखो यहां पर जो है आपके पास में ये मेटल है, सो कॉपर जो है आपका एटॉमिक नंबर 29 है. सो 29 इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कॉपर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, यहां पर है 4. सो दिस विल बी -4, क्योंकि CN माइनस होता है, तो इस साइड में -4 आएगा और इस साइड में -3 है. सो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 + 4 के, तो x की वैल्यू आएगी भाई +1. तो यानी कि यहां पर कॉपर +1 में है, +1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो 29 में से एक माइनस करोगे तो 28 आएगा. सो 28 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में है, ठीक है. अब बात करते हैं कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं. आप चाहे तो मैं यहां पर सिर्फ आपको समझा के और पूरा वैल्यूज लिख रही हूं, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड इज इक्वल टू 6 × 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल, जो भी आपका आयन है, इज इक्वल टू, ऐसे करके भी, ठीक है. यहां पर जो है मैं आपको डायरेक्टली करके सिर्फ सिखा रही हूं, ठीक है. सो आपके जो है मेटल के पास में 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लिगेंड ने कितने दिए हैं, लिगेंड देखो 4 हैं और हर एक देगा 2, तो जितने भी लिगेंड्स हैं उसका जस्ट डबल कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो 4 दूनी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 28 और 8 ये हो जाएगा आपका 36. सो 36 फिर से आपका क्या आ जाता है भाई, क्रिप्टॉन का. सो यानी कि EAN में फॉलो होगा, ठीक है. यहां पर देखो CrCO6 जस्ट सिंपल आपको इतना सा दिया है. क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 24. अब 24 जो है यहां पर CR का, देखो यहां पर जो है ये 0 ही होगा, है ना, क्योंकि ये CO जो है इसका भी यहां पर 0 रहेगा, तो 6 × 0 करोगे तो 0 ही आएगा. तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 ही रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर. तो यहां पर आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के ऊपर वो 24 ही रहेंगे, ठीक है. तो यहां पर हो जाएगा लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 6 × 2 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके लिगेंड ने डोनेट करे हैं. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम. सो 4 और 2 हो जाएगा भाई 6 और 3, तो मतलब कि ये भी आपका EAN रूल फॉलो हो रहा है. अब देखते हैं हम इन दोनों के अंदर फॉलो होगा या फिर नहीं होगा. यहां पर देखो हमारे पास है निकल, ठीक है. सो निकल जो हमारा ये मेटल है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28. अभी मैंने पहले भी इसमें लिखा था यहां पर, ठीक है. सो 28 होता है तो उसका मतलब इसके पास में 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लेकिन यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ये हो जाएगा आपका Cl माइनस में होता है, इसका मतलब इधर -4 होगा और इस साइड में है -2. सो कितना हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा -2 + 4, दैट मीन्स निकल 2+, ठीक है. x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगी. सो निकल 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
इसमें से माइनस करो दो इलेक्ट्रॉन्स, सो 28 में से दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ 26। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में हैं। अब लिगेंड ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, चार सीएल है मेरे पास में, सो इसी का जस्ट डबल कर दो। सो चार सीएल ने आठ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, ठीक है, सो इसमें हम ऐड कर देते हैं आठ को, सो ये कितना हो जाएगा चार, तो मतलब 34 आ रहा है, 34 आ रहा है आपका, लेकिन होता कितना है क्रिप्टॉन का होता है भाई 36, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है सिर्फ 34 आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर आपका ई ए एन फॉलो नहीं होगा, ठीक है, आपको ऐसे करके जो है कैलकुलेट कर लेना होता है। तो यहां पर आपको जो है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो नेक्स्ट अटोमिक नंबर आ रहा है आपकी नेक्स्ट इनर्ट गैस का वो क्या है, ठीक है, जैसे कि हमें यहां पर पता है 36, 54, 86 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास में क्या है, मेटल इज पैलेडियम, सो पैलेडियम का जो अटोमिक नंबर होता है वो होता है 46, लेकिन पैलेडियम यहां पर जो है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो सीएल फोर ऊपर 2-, यहां पर भी सीएल फोर ऊपर 2-, तो मतलब कि पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो भी कितना आएगा 2+, सो यहां पर जो है पैलेडियम 2+ में होगा, सो 46 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 44, तो मतलब कि मेटल के पास में 44 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेम क्योंकि चार सीएल है तो मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, सो ये कितना हो जाएगा +8, ठीक है, सो ये हो जाएगा 52 इलेक्ट्रॉन्स, सो 52 नॉट इक्वल है, तो मतलब कि ये जो है आपका ई ए एन फॉलो नहीं कर रहा है, सो सभी फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे और भी होंगे जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपको जो है इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, मैं यहां पर आपको और भी दे देती हूँ, आप इनको भी कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि इनमें फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चंस, आप इनको भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये 6 लिख दिए हैं, आप इनमें भी ई ए एन एक बार लगा कर देखना, देखना कि क्या फॉलो हो रहा है ई ए एन रूल या फिर नहीं हो रहा है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।